हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो यहाँ पे आज मैं अपना ब्लॉग शाम से स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में मैंने ब्लॉग को ख़त्म कर दिया था। इसके बाद मैं शाम से स्टार्ट कर रही हूँ। तो मैं शाम की रोटियाँ बना रही हूँ, थोड़ा सा जल्दी खाने की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि जैसे कि आप लोगों को पता है, लास्ट ब्लॉग में बता चुकी हूँ मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी खाने की तैयारी करने लगी हूँ। वैसे भी अभी आजकल कीड़े आते हैं बहुत ही ज़्यादा, तो थोड़ा सा जल्दी खाना बना लेने में ही भलाई रहती है, वरना फिर कीड़े वगैरह आते हैं खूब ज़्यादा। तो मैं जल्दी ही खाना बना लेती हूँ। और आज मैं थोड़ी सी मोटी मोटी नमक और अजवाइन और थोड़ी सी बेसन वाली रोटियाँ बना रही हूँ, क्योंकि ऐसी रोटियाँ मेरे बेटे को बहुत ही ज़्यादा पसंद है, वो बहुत प्यार से खा लेता है। वरना जो है शाम के खाने में थोड़ा बहुत बच्चे नखरे करने लगते हैं, तो बच्चों को जो पसंद आता है वही मैं खाने में बना देती हूँ। तो थोड़ा सा घी लगा लगा के मैं बेल दूँगी उनको, तो काफ़ी अच्छी लगती हैं इस तरीके की रोटियाँ। आप लोग चाहें तो ट्राई कर सकते हैं, काफ़ी लोग बनाते हैं, मैं हमेशा ही बनाती हूँ शाम के खाने में। मेरी रोटियाँ बन चुकी थी, एक साइड मैंने जो है अरबी उबालने के लिए रख दी थी, तो वो भी मेरी उबल चुकी है। इसके बाद अदिति से मैंने टमाटर और धनिया पत्ती मंगाई थी, क्योंकि ख़त्म हो रखी थी। तो यहाँ पे मैं चकला बेलन, जो कि हम लोगों के यहाँ ओरसा और बेलन बोलते हैं, तो उसको धो के रख दूँगी। और धनिया को मैं तीन पानी में, धनिया हो या फिर सब्जी हो, तीनों को धो लूँगी। तो मुझे पहले याद नहीं रहा, इसलिए मैंने उसमें परात में ही डाल दिया था धनिया। इसके बाद मैंने टिफ़िन वाले पानी में डाल दिया है, और फिर इस वाले पानी में डाल के अच्छी तरीके से धुल दूँगी और पानी छट जाने तक का वेट करूँगी। इसके बाद थोड़ी बहुत धनिया जो रह गई है उसको भी मैं धो लूँगी, तो टमाटर वगैरह भी धुल के मैं रख दूँगी। इसके बाद मैं फ्रिज में रख दूँगी। दो तीन टमाटर मैंने सब्जी के लिए निकाल के रख लिए हैं, तीन टमाटर निकालूँगी। अभी फ़िलहाल मैं दो निकाले हैं, मैं देख लूँगी जो ज़्यादा पके पके से टमाटर लगेंगे उनको मैं निकाल के जो है सब्जी के लिए कट करके रख लूँगी। और इसके बाद जो थोड़ी बहुत धनिया और रह गई है, तो उसको भी मैं धो के रख दूँगी फ्रिज उसमें डलिया में। इसके बाद मैं डिब्बे में भर के रख दूँगी धनिया, ताकि थोड़ा सा जो है काफ़ी दिन तक ख़राब नहीं होता है। इसके बाद मैं आ गई हूँ सब्जी छोकने के लिए। तो यहाँ पे मैं तेल वगैरह रख दिया है गर्म होने के लिए, और थोड़ी सी पंखे की आवाज़ आ रही होगी आप लोगों को, तो इग्नोर कर दीजिएगा। तो बस मैं यहाँ पे फटाफट से सब्ज़ी छोक दूँगी। और उसके बाद मैंने लहसुन वगैरह कट करके रख लिया है। प्याज मैं नहीं डालती हूँ सब्ज़ी में, क्योंकि मुझे प्याज पसंद नहीं है। और जीरा अजवाइन डाल दूँगी। वैसे तो मैं जीरा भी नहीं डालती हूँ, लेकिन मैंने जीरा डाल दिया है, क्योंकि अदिति ना अरबी की सब्ज़ी खाती नहीं है, तो उसको जो है बोल देंगे कि उसकी सब्ज़ी है आलू की, तो थोड़ा सा जीरा उसमें डालना ज़रूरी था। और वो ना सिर्फ रसा रसा खाती है सब्ज़ी का, तो आलू वगैरह तो वो वैसे भी नहीं खाती है, तो उसको ज़्यादा समझ में भी नहीं आएगा इस तरीके से, इसलिए मैंने जो है थोड़ा सा जीरा ऐड कर दिया है सब्ज़ी में। लहसुन डाल दिया है, अजवाइन वगैरह डाल दूँगी, और उसके बाद टमाटर डाल के मसाले डाल दूँगी। तो टमाटर जब तक अच्छी तरीके से गल जाएंगे, तब तक मैं धनिया पत्ती भी जो है कट करके रख लूँगी सब्ज़ी में डालने के लिए, ताकि मैं साथ के साथ, जैसे कि मैं बता चुकी हूँ कि मैं साथ के साथ सारे काम करती जाती हूँ, और तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए मैंने थोड़ा जल्दी ही खाने की तैयारी कर ली। और यहाँ मेरा खाना बन भी चुका है, 6:30 के करीब तक मेरा खाना बन चुका था। तो जब मेरी तबीयत ख़राब होती है, तब मैं इस तरीके से ही जल्दी जल्दी कर लेती हूँ, ताकि ज़्यादा अब जो है फैले भी ना, और फटाफट से खाना भी हो जाए। तो यहाँ पे देखो मेरी सब्ज़ी जो है बन के रेडी हो चुकी है, यानी कि टमाटर वगैरह पक चुके हैं। इसके बाद मैं इसमें अरबी ऐड कर दूँगी, तो सब्ज़ी जो है मेरी अच्छी तरीके से पक जाएगी। थोड़ी सी देर में इसको भूनूंगी। और यहाँ पे मेरी धनिया का जो है पानी भी जब तक छट चुका था, तो मैंने इसको डिब्बी में डाल के रख दिया है, और टमाटर को फ्रिज में रख दूँगी, ताकि जैसे कि होता है ना कि आजकल चूहे भी बहुत ज़्यादा आते हैं, और धनिया पत्ती तो वैसे ही बाहर ख़राब हो जाती है। तो छोटी सी डिब्बी मैंने डाल दी है धनिया को, इसके बाद मैंने अरबी भी डाल दी है। तो इसको भूनेंगे 2-3 मिनट के लिए, और धनिया पत्ती ऐड करके बंद कर देंगे। और बर्तन जो रह गए हैं उनको मैं बाद में धोऊँगी जब खाना वगैरह हो जाएगा। तो शाम को मैं ऐसे ही काम कर लेती हूँ जल्दी से, जैसे कि हमेशा ही कर लेती हूँ, वैसे तो तबीयत ख़राब ना भी हो तब भी कर लेती हूँ। तो आज मैंने आप लोगों को 5 बजे से अपना रूटीन दिखाया था शाम के, और 7 बजे तक तो खाने की ही तैयारी की है, बाकी तो मैंने कुछ नहीं किया है। और यहाँ पे बस मैं अपनी सब्ज़ी वगैरह फ्रिज में रख दूँगी, और बॉटल मैंने धो के खाली ही ऐसी रख दी है, अभी मैं इसको कहीं अलग से रख दूँगी, तो देखते हैं कहाँ रखते हैं, है ना। तो चलिए फिर मिलते हैं थोड़ी देर। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? ऐसा करते हैं आप लोग ठीक होंगे? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और अभी जस्ट मैं खाना वगैरह बना के आई हूँ,
बर्तन रह गए हैं धोने के लिए, तो उनके मैं बाद में धोऊंगी जब सब लोग खाना खा लेंगे। तो कौन आया है? और कपड़े सूखे नहीं थे ना, इसलिए यहाँ पे डाल दिए हैं, क्योंकि आज पहले बारिश हो रही थी, उसके बाद फिर हल्की सी धूप निकली, तो जितने सूखे उतने मैंने रख दिए हैं, जितने नहीं सूखे उनको यहाँ पे डाल दिया है। अभी सूखने के लिए डाल दिया है, तो वो कल सुबह तक सूख जाएंगे। वैसे सूख गए हैं, लेकिन थोड़ी सी नमी रह जाती है ना, जैसे वैसे रह गई है। तो बच्चे बाहर ट्यूशन पढ़ रहे हैं, सर आ रहे हैं पढ़ाने के लिए, तो अभी चाय बनाऊंगी उनके लिए, उसके बाद फिर बर्तन वगैरह वॉश करूंगी। तो मेरा शाम का ही काम होता है, रूटीन होता है। अब इसके बाद जाएंगे हम मकान पे, तो वो आप लोगों के साथ में शेयर करेंगे कहाँ तक कैसे क्या हुआ है। आई थिंक आज जीना वगैरह हो गया होगा, तो क्योंकि मैं कल भी नहीं गई थी, कल मेरी तबीयत खराब थी, डॉक्टर के यहाँ चले गए थे। और आज कभी भी मॉर्निंग में बैठे तो मेरी बात नहीं हुई कि क्या बोला उन्हें, मतलब कितने कहाँ तक क्या हुआ है, तो पता नहीं है ना। तो देखते हैं आगे का प्रोसेस कहाँ तक पहुँचा है। और वैसे तो मैं सोच रही हूँ कि नौ दुर्गा तक पहुँच जा सकते हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि नौ दुर्गा तक पहुँचेंगे। अगर पहुँच जाएंगे तो फिर तो ठीक है, अच्छी ही बात है ना। नहीं पहुँचेंगे तो फिर दिवाली तक तो पैसे भी चले जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि अब बहुत रह रही है किराए से, है ना। तो फिर अपने घर में शिफ्ट हो जाएंगे। तो चलो मैं मिलती हूँ थोड़ी देर से। तो तो इसके बाद हम लोग गए हुए थे मकान पे, जैसे कि मैं बता ही चुकी थी कि हम लोग मकान पे जाएंगे। तो यहाँ पे बगल का जो है पिलर भर गया है, और जीना का भी कुछ जो है काम शुरू हो चुका है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जीना भी इतनी बन चुके हैं। इसके बाद आगे का जो है वो भरा जाएगा, मतलब जो भी बोलते हैं उसको पता नहीं, मुझे लैंटर पड़ेगा इसके ऊपर, फिर जीना बनेगा। तो इस तरीके से हो जाएगा, और अगल बगल की दीवार भी सेट होगी। तो यहाँ पे ना लाइट ख़राब हो गई, इसलिए थोड़ा सा अंधेरा आ रहा है, वरना तो लाइट जलती थी तो काफ़ी अच्छा था। और यहाँ पे ऊपर से इस तरीके से देखो लैंटर वगैरह तोड़ के फिर यहाँ पे जीना बनेगा, और बाहर के इस रूम में जो है लैंटर पड़ेगा। सो फैमिली, तो हम लोग आ गए हैं मकान पे, और आप लोगों को दिखा दिया है मैंने कि कितना क्या फूट गया है, क्योंकि टूट फूट होनी थी जो वो भी कर दी है। अदिति यहाँ पे स्कूटी चला रही है, तो स्कूटी चला रही हैं, और जीना भी दिखा दी है इतने बन गए हैं। कल बाकी का जो है वो हो जाएगा, लैंटर पड़ जाएगा तो इसके ऊपर बाकी का जीना बन जाएगा। ऊपर का जो वो टूटना था आगे की, तो वो भी टूट गई है। फिर इसके बाद देखते हैं संडे वगैरह तक कब जो है लैंटर पड़ता है। तो जैसे ही लैंटर पड़ जाएगा उसके बाद आंगन का काम शुरू हो जाएगा, क्योंकि वैसे भी इतना काम होते होते एक महीना हो जाएगा इस बार संडे को, क्योंकि 31 जुलाई से काम शुरू हो गया था लगना, तो एक मंथ हो जाएगा कंप्लीट। इसके बाद फिर आगे का काम होगा, तो जल्दी ही फिनिश हो जाएगा, दिवाली तक हम लोग शिफ्ट हो जाएंगे, आई होप सो, है ना। तो चलो फिर इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो थोड़ा सा भी आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, कॉमेंट कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन के साथ, ताकि आप लोगों को वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिलती रहे जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं। और हवा बहुत ही अच्छी चलती है यहाँ पे, क्योंकि एकदम खुला मैदान है वातावरण, और अभी बहुत ही अच्छा हुआ, मतलब स्वच्छ हवा मिलती है यहाँ पर, तो काफ़ी अच्छा है, ये चीज़ बहुत अच्छी है। मैंने पिछले वीडियो में ही बताया था कि पॉजिटिव है, प्लस पॉइंट मान सकते हैं आप इसको, बाकी तो ठीक ठाक है ना। तो चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो, तब तक लिए बाय बाय।